गुज्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। जो गुज्जर प्रतिहार शासक है वो और किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है आर्य के नाम से, बी है ब्राह्मण के नाम से, सी है वैश्य के नाम से और डी है अग्निकुंड राजपूत के नाम से। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको पता है डी, अग्निकुंड राजपूत के नाम से भी जाने जाते हैं गुज्जर प्रतिहार शासक। हमने जो राजस्थान के राजवंशों के इतिहास वाला जो हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने देखा था जो पृथ्वीराज चौहान का जो चंद्र कवि या फिर सखा चंद्र वरदाई था, उसने राजपूतों के चार वंश बताए थे अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अंदर। उसका ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो, जिसके अंदर उसने राजपूत के चार वंश बताए थे। कौन कौन से? चौहान वंश, प्रमार वंश, चालुक्य और प्रतिहार वंश। राजपूतों के कौन कौन से वंश बताए थे चंद्रवरदाई ने? चौहान वंश, प्रमार वंश, चालुक्य वंश और प्रतिहार वंश। और इन्हीं इन सभी वंशों की जो उत्पत्ति है उसने अग्निकुंड से मानी है, जो किसके द्वारा कराया गया था? ऋषि वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ या फिर अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानी है। किसके? इन सभी वंशों की, चौहान वंश, प्रमार वंश, चालुक्य वंश और प्रतिहार वंश। तो गुज्जर प्रतिहार शासकों को और किस नाम से जाना जाता है? अग्निकुंड राजपूत के नाम से भी जाना जाता है। और इनको इनकी जो ये उत्पत्ति अग्निकुंड से किसने बताई है? कवि चंद्रवरदाई के द्वारा बताई गई है।